आपने क्या है यहाँ पे एक और प्रॉब्लम दे रखी है डिफरेंशिएशन पर बेस्ड आपके, यहाँ एक इस तरह का फिगर दे रखा है, इस तरह का फिगर दे रखा है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपकी ये पॉइंट दे रखे हैं और इधर आपके वाई एक्सिस, इस तरह का आपका यहाँ पे दे रखा है फिगर दे रखा है। अब आपसे पूछा है फ्रॉम गिवन फिगर कैलकुलेट डी वाई बाई डी एक्स एट, यहाँ पे स्लोप निकालना है एक्स इक्वल टू टू वाई थ्री पे, एक्स इक्वल टू फर्स्ट निकालना है एक्स टू वाई थ्री पे, सेकेंड निकालना है एक्स इक्वल टू 1.47 पे, थर्ड जो है एक्स इक्वल टू 2.3 पे, फोर्थ जो है 3.9 पे निकालना है, ठीक है। तो वन बाई वन हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे स्लोप निकालना है। देखो जरा स्लोप के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे स्लोप जो है हमारा यहाँ टेन थीटा होता है, स्लोप क्या होता है हमारा टेन थीटा होता है, जानते हैं हम लोग यहाँ टेन थीटा, ठीक है, या आपके एम भी बोलते हैं स्लोप को, और डी वाई डी एक्स के बराबर होता है। डी वाई डी एक्स का मतलब है यहाँ पे वाई में चेंज, वाई में चेंज, पहले वाई टू माइनस वाई वन करेंगे अपॉन यहाँ पे डी एक्स का मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन। हाँ, अब देखो जरा यहाँ पे सबसे पहले मैं देखता हूँ एक्स इक्वल टू यहाँ पे टू वाई थ्री पे, एक्स इक्वल टू क्या किस पे देखूंगा, टू वाई थ्री पे देखता हूँ, यहाँ पे एक्स इक्वल टू टू वाई थ्री पे डी वाई बाई डी एक्स देखेंगे, स्लोप देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो जरा डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है यहाँ पे सबसे पहले लूंगा वाई में चेंज, वाई में चेंज देखेंगे यहाँ पे पहले वाई टू, यहाँ पे 2y3 यहाँ पे दे रखा है, अब ये वाला यहाँ पे इस पे 2y3 के करस्पॉन्डिंग ये मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो कर्व आ रहा है, अब देखो ये जो कर्व है ये x के साथ क्या है यहाँ पे y क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे क्या समझेंगे डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब y की जो वैल्यू है यहाँ पे ये y1 हो गया और ये y2 हो गया, तो y2 माइनस y1 करना है यहाँ पे। खास बात ये है कि यहाँ पे y2 माइनस y1 करना है और नीचे x2 माइनस x1, यहाँ पे y जो चेंज हो रहा है 10 से 5 चेंज हो रहा है और x जो है वो यहाँ पे 0 से 1 चेंज हो रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 5 माइनस यहाँ पे 10, 5 माइनस 10 यहाँ पे क्या करेंगे ये y2 सॉरी यहाँ पे 5 माइनस, हाँ y2 क्या है 5 माइनस 10 अपॉन यहाँ पे x2, x2 कितना चेंज हो रहा है यहाँ पे देखेंगे x2 जो है चेंज हो रहा है यहाँ पे इधर यहाँ देखेंगे इधर x2 जो है यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है 1 से और 0 से 1, तो यहाँ 1 माइनस 0 हो जाएगा और फाइनली ये हो जाएगा आपका माइनस 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका माइनस 5 आ जाएगा क्योंकि नीचे तो 1 रहेगा ऊपर आपके ये 5 माइनस 10 माइनस 5। नेक्स्ट देखते हैं x इक्वल टू यहाँ पे 1.7 पे देखते हैं जरा 1.7 पे बात करते हैं, यहाँ पे 1.7 कहाँ रहा होगा, यहाँ पे कहीं है 1.7, यहाँ पे 1.7 आएगा। अब देखो 1.7 के यहाँ पे देखते हैं इसके करस्पॉन्डिंग आपके क्या है, यहाँ इधर ये कर मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कर्व है 1.7 पे, यहाँ से यहाँ तक का कर्व है ये, तो इसका मतलब ये यहाँ से जो है वाई जो है बढ़ रहा है यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है 1 से 2 तक, यो 5 से और 8 तक क्या हो रहा है ये चेंज हो रहा है वाई, और एक्स कहाँ से 2 से और 1 तक, तो यहाँ पे क्या करेंगे dy by dx में जब निकालूंगा यहाँ पे dy by dx निकालूंगा तो इसका मतलब dy क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 माइनस 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3, और x कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये आपके क्या है 1 हो गया, तो फाइनली कितना आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, स्लोप क्या आ जाएगा 1 यहाँ पे सॉरी 3 आ जाएगा, 3 कितना आएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। नेक्स्ट जो देखते हैं यहाँ दे रखा है 2.3 पे ये x इक्वल टू 2.3 पे देखते हैं, चलो भाई x इक्वल टू 2.3 पे देखते हैं 2.3 इसका मतलब ये यहाँ पे रहा होगा यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे। अब देखो जरा
यहाँ पे अगर देखेंगे ये तो क्या यहाँ पे y जो है वो चेंज हो रहा है x के साथ? नहीं हो रहा है। देखेंगे तो ध्यान से यहाँ पे y जो है वो कांस्टेंट है, इधर एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है एक, तो dy क्या हो जाएगा इसके लिए? जीरो हो जाएगा। इसके लिए dy क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो dy by dx की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी, क्योंकि dy जीरो तो यहाँ पे dx 3-2 यहाँ पे 1 करेंगे तो फिर भी आपके क्या है? जीरो आ जाएगा। तो यहाँ स्लोप क्या हो गया? जीरो हो गया। लास्ट है यहाँ पे x इक्वल टू 3.9 पे, x इक्वल टू 3.9 पे देखते हैं, x इक्वल टू 3.9 मतलब यहाँ पे कहीं उठा होगा यहाँ पे, और इसके करस्पोंडिंग ये वाला जो कर्व आएगा ये वाला यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक देखते हैं कि यार भाई जो है वो चेंज हो रहा है के नहीं हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन किस तरह से चेंज हो रहा है? यहाँ पे इसकी वैल्यू x के साथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये y ये क्या जीरो हो गया, ये यहाँ पे 8 हो गया, तो यहाँ पे dy और कितना चेंज हो रहा है यहाँ पे y2 का मतलब आपके जीरो माइनस 8, यहाँ पे ये y2 जो है वो जीरो आ गया, और y1 कितना था आपका? 8 था, और यहाँ पे x2 आपके 4 है, 4 और x1 आप 3 है, तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा? -8। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -8। dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? -8, मतलब यहाँ पे इसका स्लोप कितना है? -8 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे ग्राफिकल। देखो ये इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ d2/dx2, ये डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट एप्लीकेशन है, इसी का नेक्स्ट एप्लीकेशन है। यहां देखो dy/dx से तो हमने क्या निकाल देते हैं? यहां पे स्लोप निकाल देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कर्व में कहां पे मैक्सिमा आ रहा है, कहां पे आपके क्या है मिनिमा आ रहा है, वो निकालेंगे d2/dx2। यहां पे अगर देखो यहां पे इस तरह का मान लो ये कर्व है, इस तरह का मान लो ये कर्व है, ठीक है, और इस कर्व में कहां पे मैक्सिमा होगा, कहां पे मिनिमा होगा? यहां पे मिनिमा है, यहां पे मैक्सिमा है, ठीक है, ये पता लगाने के लिए कहां पे मैक्सिमा है कहां मिनिमा है, तो उसके लिए d/dx का एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा। तो यहां पे अगर d2/dx2 अगर आपका यहाँ पॉजिटिव आता है इसकी वैल्यू, तो ये मैक्स मिनिमा होगा, और ये नेगेटिव इसकी वैल्यू आती है ये मैक्सिमम हो जाएगा। देखो देखते हैं, यहाँ पे मान लो कि कोई आपके क्या है यहाँ पे कर्व है, यहाँ पे कर्व है, इस तरह का कर्व है, मुझे ए पॉइंट पे देखना है, ए पॉइंट यहाँ पे, इफ कर्व इज इन अपर डायरेक्शन, अगर कोई कर्व आपकी है अपर डायरेक्शन में जा रहा है, तो d2/dx2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। और अगर कर्व डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ, तो d2/dx2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ये चीज यहाँ पे इसको समझते हैं, मैक्सिमा मिनिमा। देखो मैक्सिमा मिनिमा के लिए पहली चीज, मैक्सिमा मिनिमा कहां पे होंगे? जैसे इस कर्व में अगर मैं देखूं यहां पे मिनिमा आ रहा है और यहां पे मैक्सिमा आ रहा है, पहली चीज तो यह है इसका dy/dx क्या, इसका स्लोप उस पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप क्या होता है? tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है? x के साथ एंगल। यहां पे इस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो आपके क्या है x एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाएगा? जीरो, तो tan जीरो हो जाएगा यहां पे, स्लोप क्या हो जाएगा? जीरो। यहां पे मिनिमा पे अगर इस तरह का टेंजेंट ड्रॉ करूंगा इस पॉइंट पे, तो ये स्लोप क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमा और मिनिमा कहां पे एग्जिस्ट होंगे? जहां पे पहली चीज तो ये है कि आपका dy/dx स्लोप क्या होगा? जीरो होगा, तो लोकल मैक्सिमा, इसको क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमा। इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, एग्जिस्ट एट ए पॉइंट, उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेंगे जहां पे dy/dx की वैल्यू जो है जीरो आ रही है। देखो जरा यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी, क्योंकि x के साथ यहाँ पे ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस, तो यहाँ x एक्सिस के साथ एंगल दोनों क्या बना रहे हैं?
जीरो बना रहे हैं, इसका मतलब स्लोप जीरो हो गया, स्लोप जीरो का मतलब है आपके डीओ डीएक्स जीरो हो गया। और यहाँ पे देखो पहली चीज, अब ये है डीओ डीएक्स से अगर कोई कर्म दे रखा आपको कि आपको क्या है कोई कर्म दे रखा होगा, उस कर्म का डीओडीएक्स निकाला, डीओडीएक्स को जीरो के बराबर किया, तो आपको आपको क्या है यहां पे दो पॉइंट आएंगे, मतलब उस पॉइंट पे या तो मैक्सिमम होगा या फिर आपके क्या मिनिमम होगा, या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो वो पता लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक बार दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा, यहां पे डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर करूंगा, अगर उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो मैं बोलूंगा यहाँ पे मिनिमा है, और नेगेटिव आती है तो यहाँ पे मैक्सिमा, थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे नेगेटिव आएगी तो मैक्सिमा है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। डी स्क्वायर बाय डी एक्स, पहले डी बाय डी एक्स निकालेंगे, उसका डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो मिनिमा, और यहाँ पे कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, ये कर्व दे रखा है माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, इस तरह का आपके क्या है कर्व दे रखा है आपको, और आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस कर्व पे, मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगी, ठीक है, वो निकालना है आपको, वो मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, वाई की मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब देखो किस तरह से करेंगे हम लोग, देखते हैं। पहली चीज तो ये है इसका डीवाई बाई डीएक्स करते हैं, इसका क्या करते हैं हम लोग डीवाई बाई डीएक्स करते हैं, यहाँ पे डीवाई बाई डीएक्स करो, यहाँ पे डीवाई बाई डीएक्स अगर मैं करता हूँ इस कर्व का डीवाई बाई डीएक्स करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy by dx अगर मैं करूंगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा dy by dx किया मैंने इस कर्व का, देखो जरा यहाँ पे इस कर्व का डिफरेंशिएशन करो, यहाँ पे माइनस टू तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, ये x स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x, ठीक है, उसके बाद फिर माइनस टू आपकी क्या है बाहर रहेगा, माइनस टू एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पे वन, और थ्री का क्या हो जाएगा जीरो। अब देखो जरा यहाँ पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है मैक्सिमा की करस्पॉन्डिंग डीवाईडी एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मैक्सिमा की डीवाईडी एक्स की वैल्यू जीरो होगी, तो यहाँ पे उसको जीरो के बराबर कर दूंगा, क्या करूंगा यहाँ पे जीरो के बराबर कर दिया, क्यों किया है, क्योंकि या तो मैक्सिमा या मिनिमा यहाँ पे दोनों जगह dy/dx क्या होता है जीरो होता है, क्योंकि स्लोप आपके कहे जीरो होता है, तो इसके करस्पोंडिंग ये हो ये y की वैल्यू होगी, ये हमें निकालनी है यहाँ, तो क्या करेंगे यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, ये माइनस फोर एक्स माइनस टू, ये आपके क्या है टू हो जाएगा, इधर जाएगा तो टू, तो x की वैल्यू यहाँ पे माइनस वन बाई टू आ जाएगी, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी माइनस वन बाई टू, ठीक है, यहाँ पे माइनस वन बाई टू। अब ये वैल्यू कहाँ पे रखूंगा मैं, मतलब ये वैल्यू जो है यहाँ ये x की वैल्यू आई यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग, अब देखो यहाँ पे दूसरी चीज में क्या करूंगा यहाँ पे इसका डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ये मैक्सिमा है या नहीं है वो पता कर लेते हैं, इसका जब डिफरेंशिएट करूंगा मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस फोर एक्स है यहाँ पे, फाइनल ये क्या हो जाएगा माइनस फोर एक्स माइनस टू, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस फोर, इसका एक बार डिफरेंशिएट और करूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस फोर, माइनस फोर इसका मतलब ये जो है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है इसका मतलब ये क्या है मैक्सिमा है, और मैक्सिमा है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालो, इसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू आपको कहां रखनी है यहां पे रखनी है, तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो y जो मैक्सिमम होगा आपका y मैक्सिमम होगा यहां पे, y जो का उससे पुट कर देंगे यहां पे माइनस टू एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस टू
और इधर आपकी वैल्यू माइनस एक्स की जगह माइनस वन बाई टू प्लस थ्री। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहां माइनस टू अपॉन यहां पे हो जाएगा यहां पे फोर, यहां पे क्या आएगा फोर आ जाएगा, वन बाई टू का माइनस वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर माइनस ये वन बाई टू माइनस वन बाई टू हो जाएगा, लेकिन माइनस यहां पे ये टू है और ये हो जाएगा टू कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे और ये आपके थ्री इधर प्लस थ्री, तो फाइनली ये फोर और ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे माइनस वन बाई टू, ये माइनस वन बाई टू। तो फोर में से हाफ अगर कम कर दू, मैं फोर में से अगर हाफ अगर मैं कम कर दू तो कितना हो जाएगा सेवन बाई टू, यहाँ पे ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे सेवन बाई टू, ठीक है 3.5 यहाँ पे ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके यहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं यहाँ फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स ऑफ कर्व, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकालने हैं, मैक्सिमम और मिनिमा के पॉइंट्स कहाँ पे मैक्सिमम होगा और कहाँ पे मिनिमा होगा वो उनके पॉइंट्स निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको इस कर्व के। ये कर्व दे रखा है y is equal to x cube minus 3x square plus 9x plus 1 यहाँ पे। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये कर्व दे रखा है dy/dx निकालेंगे यहाँ पे, स्लोप करेंगे, स्लोप निकालेंगे, स्लोप से dy/dx को जीरो के बराबर करूंगा क्योंकि या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, दोनों पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम पे dy/dx की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है यहाँ पे। और फिर क्या करूंगा उससे dy/dx जीरो करूंगा तो दो वैल्यू आएंगी यहाँ पे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी तो दो वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू x की दो वैल्यू की करेस्पोंडिंग दो y की वैल्यू आएंगी और उस पर देख लेंगे आपको क्या है मैं कहां पे मैक्सिमा है कहां मिनिमा है वो देखेंगे d स्क्वायर बाय बाय tx स्क्वायर से। देखते हैं जरा यहां पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहां पे d बाय dx निकालेंगे, यहां पे क्या निकालेंगे सबसे पहले d बाय dx देखो जरा यहां पे x क्यूब का यहां पे क्या हो जाएगा पावर को बाहर ले आओ पावर में से एक कम कर दो माइनस और इधर आपके क्या है यहां पे 6 माइनस 6 बाहर रहेगा कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पे 2x यहाँ पे तो ये फाइनली ये हो जाएगा 12x ठीक है यहाँ पे कितना हो जाएगा 12x डायरेक्ट क्या है मेरा आपके 6 और इधर माइनस 6 तो यहाँ पे बाहर रहेगा और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x तो 6 2 जा 12 माइनस 12x हो जाएगा प्लस 9 ये आपके क्या है यहाँ डिफरेंशिएशन हो गया dy/dx हो गया स्लोप हो गया आपका और स्लोप यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा पे पॉइंट फॉर मैक्सिमम मिनिमा और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए dy/dx की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे जीरो होगी यहाँ पे क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी है ना यहाँ जीरो हो जाएगी। अब देखो जरा हाँ फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए फॉर मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा हो मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों के लिए आपकी क्या है डी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी जीरो होगी यहाँ पे तो यहाँ पे जीरो ना करके इधर कर देते हैं कोई इश्यू नहीं है यहाँ हाँ यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ देखो जरा इसमें पहले तो थ्री को आपके क्या है यहाँ कॉमन निकाल सकते हैं थ्री को कॉमन निकाला और ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ये क्वेश्चन बनेगी अब और यहाँ पे 4 × 3 = 12 4x + 3 = 0 ठीक है मैंने क्या किया 3 को यहाँ पे निकाला बाहर यहाँ पे कॉमन लिया और ये क्वेश्चन फाइनली अब इसको सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यू आएंगी यहाँ पे वो वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे अब ऐसे फैक्टर करने आपको यहाँ पे फैक्टर करेंगे इसको मतलब मल्टीप्लाई करने में 3 आना चाहिए उनको जोड़ने में 4 आने चाहिए तो क्या करेंगे 3 × 3 तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 = 0 देखो जरा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा x माइनस 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक जो आ जाएगा यहाँ पे x माइनस क्या आ जाएगा
वन आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे दो निकल गए हैं, एक को आपके क्या है वन एक्स इक्वल टू वन, और दूसरी यहाँ पे एक्स इक्वल टू यहाँ पे थ्री, दूसरी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे एक्स इक्वल टू थ्री। अब देखो ये x इक्वल टू वन और x इक्वल टू थ्री दो वैल्यू आई। अब इसके करस्पॉन्डिंग जब ये x की वैल्यू इसमें रखूंगा तो यहाँ पे y की एक वैल्यू आएगी, जब ये x की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो यहाँ पे y की वैल्यू आएगी। तो देखेंगे यहाँ पे, पहले तो देख लेते हैं आपके यहाँ y की जो वैल्यू क्या आएगी। हाँ पहले यहाँ पे ऐसा करते हैं हम लोग पता लगा लेते हैं कहां पे मैक्सिमा होगा कहां पे मिनिमा होगा। चलो भाई देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले अब इसका मैक्सिमा मिनिमा कैसे पता लगाऊंगा, इसको फिर डिफरेंशिएट करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करो d² y dx² अगर इसकी वैल्यू क्या आती है, अगर पॉजिटिव आती है तो मैं बोलूंगा मिनिमा है, और मैक्सिम नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा है। देखो उल्टा है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब इसका डिफरेंशिएट करो, डिवाइड x निकाल चुके हैं, डिवाइड x का एक बार और करेंगे यहाँ पे, ये 3x² का क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 कॉस यहाँ पे बाहर रहेगा, और dx² का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x, तो ये फाइनली हो जाएगा 6x, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे क्या है 6x माइनस 12 यहाँ पे। अब देखो जरा यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे x² 1 पे d² y dx² की वैल्यू निकालता हूं तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे 6 1 माइनस 12, इसका मतलब माइनस कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है मैक्सिमा है, मतलब x² 1 पे क्या है ये मैक्सिमा है। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे d² y/dx². अब ये मैं निकाल चुका हूँ हालांकि ये वैल्यू, अब यहाँ x² 2 यहाँ पे देख लेते हैं किस पे 3 पे x² 2 3 के करस्पॉन्डिंग, देखो जरा यहाँ पे 3 पुट करो 6 यहाँ पे 3 माइनस 12, अब यहाँ पे 6 की 18 माइनस 12 ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या है यहाँ पे मिनिमा है, ये क्या है यहाँ पे मिनिमा है, यहाँ पे मिनिमा हो गया ये, यहाँ पे मिनिमा है ये, इसका मतलब ये समझ में आया यहाँ पे x² 1 पे तो मैक्सिमा है और x² 3 पे मिनिमा है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ at x = 1 पे y की वैल्यू देखो जरा यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू निकालें यहाँ पे x² 1 पे, यहाँ पे पुट करेंगे 1³ - 6 यहाँ पे 1² + 9 1 + 1 ठीक है, फाइनली ये वैल्यू आएगी, देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी 1 यहाँ पे 1 - 6 + 9 + 1 10 हो जाएगी यहाँ पे, फाइनली ये 10 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 11 - 6 मतलब ये 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 5 आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 5 आएगी, 11 - 6 मतलब 5। अब देखते हैं एट x² 3 पे y की वैल्यू देखते हैं यहाँ पे 3 का क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब देखो जरा यहाँ पे x की जगह इस बार 3 पुट कर रहा हूं मैं, 3 पुट करूंगा तो यहाँ पे 3 का क्यूब माइनस 6 उसके बाद यहाँ 3 का स्क्वायर x यहाँ पे 6x² प्लस 9 और x की जगह 3 पुट करूंगा यहाँ प्लस 1। अब देखो फाइनली क्या आता है यहाँ पे 3 का क्यूब मतलब ये हो जाएगा 3 × 9 = 27 माइनस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 9 = 54
यहां पे 54 हो जाएगा प्लस यहां पे 27 प्लस 1, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहां पे 1, y की वैल्यू आएगी यहां पे 1, फाइनली y की वैल्यू यहां पे क्या आएगी 1 आ जाएगी, यहां पे क्या आएगी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट हुए मेरे, जो कोऑर्डिनेट हुए वो क्या हुए यहां पे, पहला एक तो कोऑर्डिनेट हुआ यहां पे, पहला कोऑर्डिनेट आंसर क्या हो जाएगा, जब x इक्वल टू 1 है तो यहां पे y इक्वल टू कितना है 5, ये हमारा मैक्सिमा का, ये मैक्सिमा का पॉइंट होगा, ये क्या मैक्सिमा, मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 3 पे यहां पे, और y इक्वल टू कितना है 1 आया यहां पे, तो ये हमारा मिनिमा हो जाएगा, ये आपका मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही पॉइंट आपसे निकलवाए थे, तो यहां पे मैक्सिमा की कोऑर्डिनेट हो जाएगी 1.5 और मिनिमा के 3.1, तो इस तरह से हम लोग यहां पे निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद आपके क्या है मैक्सिमम मिनिमम पे और भी चार प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो वन बाई वन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखो जरा यहाँ पे फर्स्ट जो प्रॉब्लम है जिसमें आपसे पूछा गया है फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना है फॉर कर्व y इज इक्वल टू, यहाँ पे कर्व दे रखा है x-4x³y³, ये आपको क्या है कर्व दे रखा है यहाँ पे, और इस कर्व के लिए आपको मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स आपको निकालने हैं। देखो जरा क्या करेंगे, सबसे पहली चीज ये है कि फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए dy/dx क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के आपके क्या है यहाँ पे पैरेलल होना चाहिए, तो इसका मतलब सबसे पहले मैं क्या करूँ dy/dx निकालूंगा, उसके बाद फिर आपके क्या है एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा dy/dx को जीरो करेंगे, उसके बाद फिर एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा, उससे मुझे पता चलेगा d²/dx² अगर नेगेटिव है तो आपके क्या है मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है d²/dx² की वैल्यू तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे मिनिमा, अगर पॉजिटिव तो मिनिमा, ठीक है। देखते हैं जरा यहाँ पे सबसे पहले मैं dy/dx निकालता हूँ यहाँ पे dy/dx, देखो यार dy/dx क्या होगा इसका, यहाँ x का क्या हो जाएगा 1 और यहाँ 4/3 आपका ये क्या है कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे और यहाँ x³ का हो जाएगा 3x² पावर को आगे ले आया और पावर में से एक काम कर दिया, अब देखेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस फाइनली क्या बचा है यहाँ पे 1-4x², ये आपका क्या है यहाँ पे dy/dx हो गया, ये क्या हो गया आपका dy/dx, ठीक है। इसकी वैल्यू ये आ गई 1-4x². हाँ, अब देखूं तो मैं यहाँ पे इसका एक बार और डिफरेंशिएट करो d²y/dx², ये क्या होगा जरा ये देखते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू देखेंगे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे 1 का तो क्या हो जाएगा 0 और 4 कांस्टेंट है, -4 एडिटिव रहेगा और यहाँ पे x² का हो जाएगा यहाँ पे 2x, मतलब ये 4 × 2x ये 8x हो जाएगा, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा -8x, ठीक है। हाँ, अब मैं क्या करूंगा फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए dy/dx आपके क्या है 0 होना चाहिए, तो 0 कर दो यहाँ पे 1-4x² इसको मैंने क्या है 0 कर दिया, तो यहां से x की वैल्यू देखो इसको अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 4x² हो जाएगा इधर आपके x² = 1/4 हो जाएगा, तो x² कितना आएगा यहाँ पे +-1/2 आएगा यहाँ पे +-1/2, ठीक है। हाँ,
अब ये वैल्यू मुझे अब x की दो वैल्यू मुझे मुझे मिली यहाँ पे, x की दो वैल्यू मुझे मिली यहाँ, और इन दो वैल्यू से y की दो वैल्यू निकलेंगी आपके यहाँ। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यहां जब x स्क्वायर टू वन बाई टू होगा तो क्या वैल्यू रहेगी इसकी, x स्क्वायर टू वन बाई टू मतलब यहां पे माइनस एट, और इधर आपके वन बाई टू, फाइनली यहां पे वैल्यू होगी माइनस फोर। माइनस फोर का मतलब है यहां पे ये मैक्सिमा होगा, क्योंकि जब कभी आपके क्या है डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस आती है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, अब मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर टू माइनस वन बाई टू अगर पुट करता हूं तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, यह माइनस एट इंटू माइनस वन बाई टू, तो वैल्यू क्या देगा, ये फोर देगा, पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब ये क्या हो गया यहाँ पे, ये मिनिमा हो गया, ये क्या हो गया, मिनिमा हो गया। तो ये मेरे को पता चल गया कि एक्स स्क्वायर टू वन बाई टू पे ये मैक्सिमा है, और एक्स स्क्वायर टू यहाँ पे माइनस वन बाई टू पे ये क्या है, मिनिमा है। तो इन दोनों वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मैं वाई की वैल्यू निकालू, यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, जब एक्स वह जब x आपके क्या है वह x स्क्वायर टू वन बाई टू, जब x स्क्वायर टू वन बाई टू है तो y की वैल्यू देखो जरा यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू निकालते हैं यहाँ वन बाई टू माइनस फोर, और इधर वन बाई टू फोर बाई थ्री, इधर आपके यहाँ पे वन बाई टू का होल क्यूब। तो फाइनली ये जो वैल्यू है यहाँ पे 1 by 2 minus 4 by 3 ये हो जाएगा आपका, ये जो वैल्यू निकल के आएगी यहां से, ये जो वैल्यू आएगी यहां, देखते हैं कैलकुलेट करते हैं, हाँ ये हो जाएगी 1 by 2 यहां पे 1 by 2 minus, यहां पे बात करते हैं 1 by 2 minus 4 by 3, और ये हो जाएगा into 1 by 8, 1 by 2 का आपके क्या है क्यूब, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, तो ये 4 ये 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये 1 by 2 minus 1 by 6, और इसको एलसीएम लेंगे 6 3 minus 1, मतलब ये आपके क्या है 2 by 6 होगा, ये कितना हो जाएगा फाइनली आपके क्या है 2 by 6 हो जाएगा, और इसको क्या लिखते हैं 1 by 3, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, ये 1 by 3। ठीक है, y की वैल्यू 1 by 3। नेक्स्ट देखते हैं, जब है x स्क्वायर टू माइनस वन बाई टू, तो उस केस में y की जो वैल्यू आएगी वो देखते हैं यहाँ पे, y की जो वैल्यू है यहाँ पे माइनस वन बाई टू करूंगा, यहाँ पे x की जगह माइनस वन बाई टू माइनस ऑफ फोर बाई थ्री एज इट इज, और यहाँ पे माइनस वन बाई टू का होल क्यूब, यहाँ पे आपके बजाय यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ वन बाई टू यहाँ पे एज इट इज रहेगा, यहाँ पे माइनस वन बाई टू हो जाएगा, और इधर माइनस फोर बाई थ्री, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस निकलेगा, तो ये आपके क्या है प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा यहाँ, और ये यहाँ पे एट निकलेगा, तो फोर टू जा एट यहाँ पे, तो इधर माइनस वन बाई टू, इधर माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा ये, फाइनली यहाँ पे सिक्स अगर मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे थ्री, और ये 4 बाय 6 हो जाएगा फाइनली, यहाँ पे 4 बाय 6, और 4 बाय 6 को क्या लिखते हैं 2 बाय 3, मतलब ये वैल्यू आएगी 2 बाय 3। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट हुए आपके, अब देखो मैक्सिमा के जो कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पे, मैक्सिमा अगर मैं बोलूं मैक्सिमा के कोऑर्डिनेट क्या हुए यहाँ पे, मैक्सिमा के लिए कोऑर्डिनेट होंगे आपके यहाँ पे 1 बाय 2 पे ना, यहाँ पे मैक्सिमा 1 बाय 2, और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है यहाँ पे y की, ये तो आपके क्या है मैक्सिमा के कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, ये क्या होंगे मैक्सिमा के कोऑर्डिनेट। ठीक है, मिनिमा के कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ पे वो देखते हैं, मिनिमा के कोऑर्डिनेट होंगे माइनस वन बाई टू कॉमा और टू बाई थ्री, y की वैल्यू क्या आई है 2/3, ये आपके क्या हो गए मिनिमा के वैल्यू, मिनिमा के क्या हो गए कोऑर्डिनेट हो गए, और ये ही आपसे पूछे गए थे। ठीक है, तो आराम से हम लोग कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं आपके यहां नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखो जरा क्या बोल रहे हैं ये, ए स्क्वायर सीट ऑफ एरिया, एक स्क्वायर सीट है यहाँ पे, एक क्या है स्क्वायर सीट है जिसका एरिया क्या है यहाँ पे, इसका एरिया 40 मीटर स्क्वायर है यहाँ पे, ये बोल रहा है ना, इज टू मेक ए ओपन सिलेंडर, और इससे आपके क्या है इस तरह से रोल करके, इसको इस तरह से रोल करके क्या बनाया गया है, ओपन सिलेंडर बनाया गया है, तो इसको इस तरह से आपके क्या है रोल करके क्या बनाया गया है, ओपन सिलेंडर बनाया गया है, बोथ ओपन एट बोथ एंड, दोनों एंड्स आपके क्या है यहाँ पे फ्री है, यहाँ पे ओपन है, कैलकुलेट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, अब देखो जरा यहाँ पे मान लो इसकी लेंथ L है और इसकी भी लेंथ आपके क्या है L है, ठीक है, ये स्क्वायर है और यहाँ पे मान लो इसकी रेडियस आपकी क्या है R है और ये हाइट ऐसा मान लेते हैं कि ये H है, ठीक है, ये H है, अब देखो एक चीज तो मैं ये बोल सकता हूँ यार कि ये जो आपके क्या है यहाँ पे इसका जो सरफेस एरिया है इसका कर्व सरफेस एरिया बराबर होगा क्योंकि इसी से बनाया गया है, तो इसका सरफेस एरिया देखते हैं किसका सिलेंडर का, तो यहां पे ये बोल सकता हूं कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू है ना यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया किसका ऑफ सिलेंडर का, सिलेंडर का यहाँ पे ये किसके इक्वल है यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर शीट, एरिया ऑफ यहाँ पे स्क्वायर शीट के आपके क्या है यहाँ पे बराबर हो गया, अब देखो जरा यहाँ क्या होगा ये कितना एरिया, ये कितना होगा कर्व सरफेस एरिया, देखो ये यहां से सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा 2πr और इनटू आपकी क्या है हाइट, ये पूरा कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, तो यहां पे इक्वल 2πr इनटू h इक्वल टू ये कितना दे रखा आपको 40 दे रखा है, ठीक है, यहां से h की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, एस की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे तो 40 देखो यहाँ पे 2 से आपके क्या है यहाँ पे 20 टाइम्स ये हो जाएगा और यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा 20 अपॉन पाई आर, यहाँ पे 20 अपॉन पाई आर की वैल्यू हो जाएगी ये 20 अपॉन पाई आर, ठीक है, हाँ अब ये तो एस की वैल्यू हुई, अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है वो देखते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा इसका इसका सरफेस एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इनटू एच, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इनटू एच हो जाएगा यहाँ पे है ना, यहाँ पे तो फाइनली क्या हो जाएगा पाई आर, एच की वैल्यू यहां से पुट कर सकता हूं मैं, पाई आर स्क्वायर इनटू एच कितना यहाँ पे ये हो जाएगा 20 अपॉन पाई आर यहाँ पे, तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो फाइनली क्या बचेगा यहाँ पे 20 आर, ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये तो हुआ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, लेकिन मुझे मैक्सिमम निकालना ना, मैक्सिमम के लिए मैं क्या करूंगा इसको डिफरेंशिएट कर दो यहाँ पे, ये b मान लो इसको, इसको क्या मान लो b मान लो, तो dv अपॉन किसके रेस्पेक्ट में dr के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करेंगे जब क्या आएगा आपका यहाँ पे 20 r, r के रेस्पेक्ट में करूं मैं यहाँ पे कितना आएगा, देखो यहाँ r का क्या हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 20, फाइनली इसका 20 हो जाएगा, इसका मतलब आपके क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम वॉल्यूम, इसलिए मैक्सिमम वॉल्यूम कौन सा, ये मैक्सिमम मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा यहाँ पे वो देखते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये आपके क्या है आर की वैल्यू भी कितनी आएगी यहाँ पे, आर की वैल्यू यहाँ पे ये कितनी आएगी यहाँ पे इसकी वैल्यू 20 आएगी है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा डीवी बाई डी आर की वैल्यू अगर मैंने करी तो यहाँ पे इसको जीरो के बराबर करेंगे फाइनली आपकी जो है कुल मिला के मेरा जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे 20 आर आ जाएगा, ये कितना आएगा यहाँ पे 20 आर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली, इतना ही करना है,
यहाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा है ना आपसे, ये 20R हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपके क्या है यहाँ, कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई। देखो यहाँ पे दो वैल्यूज हैं यहाँ पे एक्स वाई, इनका मल्टीप्लिकेशन का मैक्सिमम आपसे पूछा है। इफ कंडीशन दे रखी है एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 40 हो और y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे कोई फंक्शन मानूंगा, मतलब ये फंक्शन मानूंगा जो जैसे जैसे बोल रहा है ये fx, fx क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो एक्स वाई लिखना है ना मुझे, x यहाँ पे x तो मुझे दे रखा है ठीक है, x मान लिया मैंने, इंटू y को कैसे लिखूंगा, ये आपके क्या है y यहाँ पे 40 माइनस x, ये मेरा क्या हो गया y हो गया। अब इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, मैक्सिमम करनी है। देखो यहां इसकी वैल्यू मैक्सिमम करनी है, तो मैक्सिमम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो यहां पे ये क्या हो गया यहां पे, और क्या लिख सकता हूं इसको, ये 40 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ठीक है। अब देखो यहां पे अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम करनी है तो मैं क्या करूंगा, पहले डिफरेंशिएट करूंगा, मैं क्या करूंगा इसको डिफरेंशिएट करूंगा, और डिफरेंशिएशन को यहां पे मैक्सिमा के वैल्यू निकालनी है, यहां पे एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है यहां पे मैक्सिमा की। अब देखो यहां पे क्या करूंगा मैं, इसको डिफरेंशिएट कर दूं, यहां पे डिफरेंशिएट कर देंगे, एफ डैश एक्स हो जाएगा इसका एफ एक्स का। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करना है मुझे, तो ये क्या हो जाएगा 40 इसका 40 एक्स का, 40 तो कांस्टेंट, एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस साइन क्या है माइनस, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। और मैं जानता हूं और क्या जानता हूं मैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए dy/dx क्या होता है 0 होता है, और इसको 0 के बराबर यहाँ पे कर दूंगा मैं, यहाँ पे अगर 0 के बराबर फॉर मैक्सिमा, या तो आपकी क्या है फॉर ऐसे लिख दो फॉर मैक्सिमा के लिए आपकी क्या है, फॉर मैक्सिमा के लिए dy/dx इज इक्वल टू आपकी क्या है 0, तो इसको 0 करो 40 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, देखो ये 2x इधर जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा 2x और इधर 40, मतलब यहाँ 2 नीचे आएगा, तो ये x स्क्वायर टू क्या आया 20 आया, इसका मतलब यहाँ पे x स्क्वायर टू 20 अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा कहाँ पे फंक्शन में, तो ये फंक्शन क्या है x इंटू वाई तो है, यहाँ पे फंक्शन क्या है x स्क्वायर टू वाई, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो फाइनली यहाँ पे ये फंक्शन क्या बन जाएगा, ये फंक्शन क्या है एक्स वाई तो है यहाँ पे, और वाई यहाँ पे एक्स, एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे कितनी पुट करूं यहाँ पे 20 इंटू वाई की वैल्यू यहाँ पे 40 माइनस एक्स, मतलब एक्स की जगह 20, तो यहाँ पे ये 20 और ये 20, मतलब ये कितना हो जाएगा 400 आपकी क्या है यहाँ पे हो जाएगा, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी आपके यहाँ पे 400, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी इसके मल्टीप्लिकेशन की ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या है यहाँ पे निकाल सकते हैं। हाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो जरा यहाँ पे किस तरह की है नेक्स्ट प्रॉब्लम। ए सीट ऑफ एरिया, एक सीट है आपके यहाँ पे, और ये जो सीट है वो स्क्वायर सीट है, ये कौन सी सीट है स्क्वायर सीट है, यहाँ पे ये जो सीट है आपके स्क्वायर सीट है ना, और इस सीट का जो एरिया है ये स्क्वायर सीट माने इसको है ना, स्क्वायर सीट है ठीक है, स्क्वायर सीट ऑफ एरिया दे रखा है 40 मीटर स्क्वायर, इज यूज्ड टू मेक, इसको यूज किया गया है टू मेक ओपन टैंक, एक ओपन टैंक, और वो ओपन टैंक कौन सा है स्क्वायर बेस, स्क्वायर होना चाहिए उसका बेस आपके क्या है, ऐसा मानो कि ये सीट है, मान लो ये सीट है, ये सीट है, इसका एरिया कितना दे रखा है आपको, एरिया दे रखा है 40 मीटर स्क्वायर इसका एरिया दे रखा है, और इससे क्या बनाया गया है एक स्क्वायर बेस, स्क्वायर बेस का मतलब आपके क्या है इस तरह का होगा ये, जिसका ये जो बेस है वो स्क्वायर है, ये एल एल मान लो इसको है ना,
और ये हाइट आपकी क्या है यहाँ पे, क्या मान लो h मान लो इसकी हाइट, क्या मान लो यहाँ पे h मान लो, ठीक है। क्यूब नहीं है ये, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इसकी हाइट यहाँ पे l से कम या ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है क्यूबॉइड बन जाएगा कुल मिला के यहाँ पे, है ना। हाँ, तो देन व्हाट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यहाँ पे ऑफ द आपकी क्या है इसका मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ इसका सिलेंडर नहीं है अब ये, अभी इसका मैक्सिमम वॉल्यूम आपके क्या है स्क्वायर बेस जो आपके टैंक है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द टैंक यहाँ पे इसका टैंक का वॉल्यूम पूछा है। अब देखो जरा यहाँ पे पहली चीज कैसे करेंगे, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यार जो इसका सरफेस एरिया है किसका, इस सीट का जो सरफेस एरिया है क्या इसके सरफेस एरिया के बराबर होगा। हाँ, बिल्कुल बोल सकता हूं मैं यहां पे क्या बोलूंगा मैं इसका सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ टैंक, मैं क्या बोलूंगा एरिया ऑफ सरफेस एरिया, मैं क्या बोलूंगा सरफेस एरिया, ये कौन सा एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, सरफेस एरिया की, एरिया ऑफ टैंक यहां पे एरिया ऑफ टैंक इक्वल टू एरिया ऑफ यहां पे क्या हो जाएगा सीट, यहां पे क्या हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर सीट, आपके क्या है यहां पे एरिया ऑफ सीट हो जाएगा, ठीक है, इस एरिया इस सीट का एरिया। हाँ, अब देखेंगे यहां पे इधर अब इसका एरिया पहले देखें इसका टैंक का, अब देखो यहां पे अगर देखेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा वो देखते हैं। देखो यहां पे अगर देखो ये स्क्वायर बेस है ना, तो इसका एक तो नीचे वाले का हो जाएगा ये नीचे वाले, इसका जो एरिया हो जाएगा यहां पे इसका हो जाएगा एल स्क्वायर, इसका एरिया क्या हो जाएगा इसका, ये इसको मान बोल देते हैं यहां पे इसका एरिया मान हो जाएगा आपका क्या है एल स्क्वायर, और ये जो ये है कौन सी ये वाली सरफेस और इधर वाली सरफेस, मतलब ये चार सरफेस हैं, है ना, यहाँ पे इन सबका एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर मैं वो बोलूं यहाँ पे कितना हो जाएगा इनका, मतलब यहाँ पे ए 2+3+4+5 ऐसा बोल दूं, ठीक है, यहाँ पे चार सरफेस हैं तो इनका एरिया क्या हो जाएगा एल इंटू एच, मतलब 4L × H हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4L × H लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा तो 4 है तो 4L × H हो जाएगा। अब टोटल देखते हैं आपके क्या है टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल हो जाएगा 4L × H + L² और ये किसके इक्वल है यहाँ पे एरिया, ये सीट का एरिया दे रखा है आपका क्या है 40, ठीक है। हाँ, अब देखो जरा यहाँ पे अब क्या करूंगा मैं यहां से h की वैल्यू निकाल लो, यहां से क्या करेंगे h की वैल्यू निकालने थे, यहां से h की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पे 40 - L² ये यहां पे इधर ले जाएंगे एल स्क्वायर को माइनस हो जाएगा और अपॉन ये हो जाएगा यहां पे 4L, ठीक है, ये 4L नीचे आ जाएगा ये होगा। हाँ, अब बात करते हैं यार हम लोग वॉल्यूम की, अब हम लोग क्या करते हैं यहां पे वॉल्यूम की बात करते हैं, यहां पे वॉल्यूम क्या होगा वो देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक यहां पे वॉल्यूम ऑफ टैंक देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो जाएगा यहां पे वॉल्यूम ऑफ L² × H यही होगा ना यार। हाँ, ये स्क्वायर बेस है ना इसका, ये L² × आपके क्या है हाइट, तो ये हो जाएगा L² × H, ये आपके क्या है वॉल्यूम हो गया। इसको अगर मैं V मान लेता हूं, मान लो आपके क्या है इसको V मान लिया मैंने, ठीक है, तो L² × H तो यहां पे वैल्यू पुट करूंगा L² × H की वैल्यू, यहां से पुट कर देंगे 40 - L² / यहां पे 4L, ये हमारा हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा यहां पे, अब ऐसा करो कि v की जो वैल्यू यहां पे डिफरेंशिएट कर लो, यहां पे क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे dv / मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो आपको क्या है dv / dl कर देंगे यहां पे dv / dl डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू l के, क्योंकि यहां वेरिएबल कौन सा है l ही तो चेंज हो रहा है, l को ही कम ज्यादा करके यहां पे क्या करेंगे
वॉल्यूम आपके क्या चेंज करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा वो देख लो, यहाँ पे पहले चीज तो यह है कि इसको फाइनली अगर मैं लिखूंगा तो किस तरह से लिखूंगा, यहाँ पे देखो नीचे 4L है, अगर सेपरेट सेपरेट करूंगा तो यहाँ पे एक L कैंसिल हो जाएगा, तो ये 40 एक L, तो एक L बचेगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 4 मतलब ये आपके क्या है डिवाइडेड बाय 4 होगा, मतलब ये हो जाएगा 4L हो जाएगा ना, वो 10L हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 10L हो जाएगा भाई, 10L होगा अगर सेपरेट करूंगा इसको, इस वाले पार्ट को सेपरेट करो, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे L L कैंसिल हो जाएगा, ये आपकी क्या 440 से आपकी क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम्स माइनस उसके बाद आपकी क्या है ये कितना हो जाएगा यहाँ पे L की ये एक L कैंसिल हो जाएगा, ये L क्यूब हो जाएगा, L क्यूब बाय 4 हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा L³/4 ठीक है। अब इसका मुझे डिफरेंशिएट करना है, अब इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा फाइनली 10 का कांस्टेंट L का 1 माइनस ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे L³ का ये हो जाएगा 3 पावर को आगे ले आओ और इसमें पावर में से काम कर दो 3/4 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा यहाँ पे ये 3 निकलेगा 3/4 है ना यहाँ पे और इसका हो जाएगा L² ठीक है। ये अब इसको जीरो करना है, अगर मैक्सिमा के लिए क्या करना है इसको जीरो करना, फॉर मैक्सिमा के लिए क्या करेंगे इसको टू जीरो कर दो, इसको जीरो फॉर आपके क्या है यहाँ पे मैक्सिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा के लिए इसको जीरो करो तो L की वैल्यू निकल जाएगी, L की वैल्यू निकालो यहाँ से, L की जब वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे तो क्या आएगी देखो जरा, यहाँ पे L की वैल्यू निकालूंगा तो इसको इधर भेजो यहाँ पे देखो जरा, इसको जब इधर भेजेंगे तो ये आपकी क्या पॉजिटिव हो जाएगा 3L² / 4 और इधर ये 4 आपकी क्या है इधर मल्टीप्लाई होगा तो 40/3 हो जाएगा, तो L² यहाँ पे √40 आपके क्या है 3 × L ये आएगा यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा इतना आ जाएगा √L² √40/3। अब ये वैल्यू आपके क्या है कहाँ पे पुट करनी है, इसमें पुट करनी है आपको, इसमें पुट करनी है तो यहाँ पे जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए आपकी क्या है अब मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए मैक्सिमम इसको और क्या लिखते हैं यहाँ पे 40 को देखो जरा यहाँ पे, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो, निकाल लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू, वॉल्यूम कौन सा ये मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ टैंक, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम हो जाएगा 10 और वो L की वैल्यू यहाँ पे √40/3 माइनस और इसका क्यूब यहाँ पे, इसका क्यूब आपके यहाँ करेंगे 40/4 को बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद √40/3 इसका क्या करना है हमें होल क्यूब करना है, समझ में आ रहा है यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे √40/3 जो L की जगह पुट कर रहे हैं बस, इसमें जो वॉल्यूम ऑफ टैंक है ना जहां पे L की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद आपके क्या है यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा, जो भी आएगा यहाँ पे वो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, है ना, तो इस तरह से आपके क्या है यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा, तो इस तरह से आपके क्या है यहाँ ये जो डिफरेंशिएशन जो वाला जो पार्ट है वो यहीं पे क्या है खत्म होता है और इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन। देखो इस चैप्टर में आपके क्या है मैंने क्या बताया था, फर्स्ट जो कंटेंट में फर्स्ट जो है वो फंक्शन, सेकंड ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड डिफरेंशिएशन, हम लोग 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, नेक्स्ट 4th पार्ट है आपका इंटीग्रेशन, इसके बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद लास्ट जो है वो वेक्टर, ठीक है।